अबाउट दिस कलेक्शन इज कि ये देखने में बहुत ही हैवी और ग्रैंड है, लेकिन इट इज़ सो ईजी ऑन द नेक, यानी कि एकदम लाइट, काम बहुत इंट्रिकेट है, इसलिए इट्स वर्थ द प्राइस, यानी कि आप अगर इसे पहनेंगे तो लगेंगे बिल्कुल खास। धनतेरस के मौके पर लक्ष्मी सी सज गई है निकिता दत्ता। सीरियल्स के बाद ओटीटी और फिल्मों के लिए अभिनय करने वाली निकिता आज हाथ में पूजा की थाली और जलते दियों के साथ करवा रही हैं अपना फोटोशूट। सफेद रंग का गुलाबी फूलों वाला सादा मगर सौम्य दिखने वाला ड्रेस, उससे मैच करता हुआ गले में मोतियों का हार और कान में झुमके और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ निकिता तैयार है इस त्योहार के लिए। मेरी जो लुक है, ये जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ एन आउटफिट बाय पिचिका, और मेरी स्टाइलिस्ट करीन ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टाइल किया है। और मेरा हमेशा मानना यही होता है कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर आपको खुले दिल से सजना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खाना चाहिए, चारों तरफ लाइट कलर्स होने चाहिए, वो इतना स्पेशल फेस्टिवल है, तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी काम ऐसा छोटे दिल से नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जनरली जो हम दिवाली का त्यौहार है वो एक हफ्ते या 5 दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये 2-3 हफ्ते चलने वाला है, बिकॉज अभी दिवाली है, हमारा ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, उसके बाद फिल्म आने वाली है, फिर मेरा बर्थडे है, फिर चिल्ड्रंस डे है जिसके लिए फिल्म हमने बनाई है, तो आई थिंक टिल 14-15 नवंबर फॉर मी दिवाली इज गोइंग टू बी ऑन इन अ वे। दिवाली का मौका है और इस मौके पर निकिता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो घर को सजाने का मौका हो या फिर खाने पीने का मौका। जी, खाना तो मुझे बहुत बहुत पसंद है, एंड आई थिंक दिवाली के नज़दीक आते ही मेरे को ना जो इंडियन स्वीट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है, तो अगर आप बेसन के लड्डू बोले, मोतीचूर के लड्डू बोले, यू नो विंटर का टाइम आता है तो जनरली जब हम दिल्ली में होते हैं तो गाजर का हलवा भी बनना शुरू हो जाता है, काजू कटली, उसके बिना तो आई थिंक दिवाली बहुत अधूरी रखती है, और मतलब ऐसे कई टाइप के जो खाने होते हैं आई थिंक ऑटोमेटिकली मन करता है कि आप यही चीज़ें खाओ, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा होता है, ये फेस्टिवल के साथ एक यू नो मूड बनता है कि इस टाइप की चीजें आपको खाने का मन करता है। दिवाली हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। निकिता ने फोटोशूट के माध्यम से अपनी इस दिवाली को खास बना दिया है। मुंबई से कैमरामैन प्रशांत माने के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, टेंपल ज्वेलरी जो है ना वो सदाबहार है, बरसों से लोग इन डिजाइन्स को पहन रहे हैं और बरसों तक पहनेंगे, सम थिंग्स आर इटर्नल और उन्हीं में से एक है। हाँ, इसके साथ नए नए डिजाइन्स को कंबाइन करके नए नए ये अपने डिजाइन्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि आज मैंने नीमा ब्रांड, मतलब इनका जो नीमा ब्रांड है उसकी टेंपल ज्वेलरी पहनी है, लेकिन हमारी जो सही है ना, यानी कि आयशा सिंह, वो पहुंची है धनतेरस के मौके पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्र ज्वेलरी पहनने और खरीदने। आयशा सिंह आपकी सही, और आज है धनतेरस का मौका और धनतेरस पर मैं करने आई हूँ सोने की शॉपिंग, क्योंकि कहते हैं धनतेरस पे सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। तो मैं आई हूँ वामन हरी पेठे पे, ये बहुत ही पॉपुलर शॉप है, यहाँ पे महाराष्ट्र कल्चर की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, तो लेट्स सी कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में।
बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ पर. अभी जो मैं पहनी हूँ वो है टेम्पल ज्वेलरी. इसमें देखिए बीच में आपको माता रानी की फ़ोटो भी दिखेगी, एक छोटी सी कार्व्ड मूर्ति है ना. तो दिस इज़ टेम्पल ज्वेलरी, दिस इज़ साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ ज्वेलरी. और मुझे पर्सनली ये वाला पीस बहुत प्यारा लगा, विच इज़ वेरी डेलिकेट एंड वेरी नाइस. लेट मी शो इट टू यू. ये वाला पीस जो है ना, दिस इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी गर्ली, वेरी माई टाइप ऑफ ज्वेलरी, वेरी नाइस एंड यू नो. ये अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में यू नो कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी ठोस ज्वेलरी है. अब इनके पास कुछ नया कलेक्शन है, तो अब हम वो चेकआउट करेंगे. कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट पीकॉक एंड पीकॉक फेदर्स और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में एंड ब्यूटिफुल कलर्स. जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे रंग होते हैं पीकॉक में. अभी तक हमने मोस्टली सोना 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 देखा था, बट ये पर्ल और सोने का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट. तो आई एम पर्सनली आई एम लाइकिंग दिस कलेक्शन अलॉट. तो बेसिकली इसको पीहू कलेक्शन बोलते हैं. जैसे पीकॉक की आवाज़ होती है प्यारी प्यारी, वैसे इसका नाम भी है प्यारा प्यारा, पीहू. शॉपिंग हो गई है. आप लोग भी धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने लव्ड वंस के लिए सोना खरीदिए. सोना को एक्सपेंडिचर की तरह मत लीजिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इट ऑलवेज ग्रोज एंड शुभ माना जाता है और आपके अपनों को खुशी भी देता है. सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. दिस कलेक्शन इज कि ये देखने में बहुत ही हेवी और ग्रैंड है, लेकिन इट इज सो इजी ऑन द नेक, यानी कि एकदम लाइट. काम बहुत इंट्रिकेट है, इसलिए इट्स वर्थ द प्राइस. यानी कि आप अगर इसे पहनेंगे तो लगेंगे बिल्कुल खास. दिवाली है खुशियों वाली राम और प्रिया के लिए ही, क्योंकि इस दिवाली राम और प्रिया के दिल जो मिल गए हैं, अब नन्ही पीहू की वजह से ये दोनों एक बार फिर से मिल पाए हैं. तो भाई जब परिवार साथ हो तो दिवाली का मजा दुगना क्यों न हो. आज पूरे घर को रोशनी में सराबोर कर देंगे राम और प्रिया. पीहू के साथ वो अपनी इस दिवाली को धूमधाम से मनाना चाहते हैं. और तो और दिवाली में प्रिया भी कुछ करना चाहती है राम के लिए, और देखिए कर भी दिया.
सबके सामने उसने राम को प्रपोज किया और उसके बाद इनका एक डांस भी हुआ। दिनों से हम ये चाह रहे थे कि राम और प्रिया एक हो जाए, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाए। फाइनली अब उनकी गलतफहमियां दूर हो गई है, उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया है, इजहार कर लिया है प्यार, और जो हमारे शो में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो दूर चली गई है। तो ऑब्वियसली अब जब बात प्यार और सेलिब्रेशन की आती है तो बिना डांस के ये सेलिब्रेशन कम्प्लीट नहीं होता है। इसीलिए दिवाली के मौके पर जब दिल मिले हैं तो डांस भी जमकर होगा। दिवाली आप सबको भी बड़ी अच्छी लग रही होगी, है ना? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। हम तीनों की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। देखिए, वक्त के साथ फैशन बदलता है, फैशन के साथ डिजाइन बदलते हैं। अब जो मैंने पहना है एक बहुत ही खूबसूरत पोल की सेट है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बंगाली वर्क की बात करेंगे तो आपको ऐसे नेकलेसेस मिलेंगे, ये सदाबहार है। जी हाँ, कुछ चीज़ें पारंपरिक बहुत खूबसूरत लगती हैं, और शायद यही वजह है कि हमारी जो बंगाली ब्यूटी है यानी कि नायरा बनर्जी, वो भी निकली हैं गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग करने। Naina Banerjee. धनतेरस में कुछ खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू आर टेलिंग द यूनिवर्स कि मुझे और गोल्ड चाहिए, मुझे और लग्जरी चाहिए, प्लीज़ ब्लेस मी विद थिंग्स लाइक दिस। हम लोग सिल्वर गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, एंड अन्न के रूप में हम लोग सारी येलो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कॉर्न हो गया या दाल हो गया या फिर येलो चीज़ें हो गई कुछ। सो आज देखते हैं धनतेरस के लिए हम क्या खरीदते हैं, एंड कम लेट्स सी। इनॉर्बिट मॉल मलाड में हूँ, एंड आई एम गोइंग इनसाइड ऑरा। वैसे तो मुझे नेकलेस विथ ईयररिंग्स का बहुत शौक है, लेकिन मैं रिंग्स भी देख लेती हूँ। ये तीनों चीज़ें मुझे कुछ पसंद आता है, तो लेट मी हैव अ लुक।
जो पहनी हूँ ये चोकर, सी आई हैव अ वेरी स्मॉल फ्रेम एंड क्योंकि मैं खुद इतनी छोटी सी हूँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है जो ज़्यादा इंट्रिकेट है, जो मेरे एक्चुअल फीचर्स को एनहांस करे. एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वन. बहुत ही प्यारा चोकर है. इट मेक्स माई नेक, माई एवरी थिंग लुक सो गुड. सो आई थिंक आई गो फॉर दिस वन. आई थिंक इन्होंने जो भी मुझे डिज़ाइंस दिखाए हैं, मोस्टली ब्राइडल के नए कलेक्शन दिखाए हैं. एंड धनतेरस के अवसर में ब्राइडल नेकलेस खरीदना, आई डोंट नो, बट बहुत ही प्यारा ये है. एवरी डिटेल, एवरी पीस दैट आई हैव सीन इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट. एंड आई लव रेड स्टोन्स एंड आई लव डायमंड्स. उन्होंने वही दिखा दिया मुझे. सो बहुत पसंद आया. और इनकी इंट्रिकेट काम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया. दे आर वेरी डेलिकेट, बट टू टच इट इज़ नॉट दैट डेलिकेट. इट्स प्रीटी गुड. मैं तो अपने धनतेरस के लिए ये सिंगल सॉलिटेयर चेन ले रही हूँ. आई विश आई गेस आप लोग भी कुछ ना कुछ ले रही होंगे. सो एंजॉय धनतेरस, एंजॉय दिवाली एंड सी यू गाइस सून. थैंक यू ऑरा. मांग टीका लगाते ही ना एक राजसी ठाट सा आ जाता है. आप पहुंच जाते ही अलग ही एरा में. वैसे अगर आप मांग टीका पहनना ना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है. इफ यू आर वेयरिंग स्टेटमेंट इयररिंग्स जैसे कि मैंने पहने हैं. वेल टॉकिंग अबाउट शॉपिंग और वो भी धनतेरस की, तो हमारी अपूर्वा अरोरा भी निकली है धनतेरस शॉपिंग के लिए. आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लड़की जब साड़ी पहन के आती है तो ना हाथों में उसने बैंगल्स पहनी है, ना नेकलेस पहना है, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, क्यों? आई टेल यू व्हाई. बिकॉज धनतेरस का दिन है और आज के दिन सब लोग कुछ ना कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं. और एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो ये ट्रेडिशन है कि ज्वेलरी का कोई भी एक आर्टिकल गोल्ड का हम खरीदते हैं. सो आई एम हियर एट वामन हरिपेठे ज्वेलर्स टू बाय सम ज्वेलरी फॉर माई सेल्फ. आ गए अब हम ज्वेलरी स्टोर के अंदर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा एक ऑब्सेशन है गोल्ड ज्वेलरी से. सो मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब धनतेरस के दिन सब लोग शॉपिंग करने निकलते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ज्वेलरी ट्राई करने में एंड मैं थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस हूँ. तो ये भी पीस मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है क्योंकि आई लव द कलर. तो फिलहाल के लिए गोल्ड के पीसेज मैंने बहुत सारे ट्राई कर लिए हैं. सो लेट्स ट्राई सम डायमंड ज्वेलरी एज वेल, जो कि कहते हैं कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स. सो लेट्स मीट माई बेस्ट फ्रेंड्स. हेलो
मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं जाऊँगी, मुझे आई एम सराउंडेड बाई ज्वेलरी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बट अभी ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, अब अपने पेरेंट्स के पास भी जाना है, उनको जिनके लिए जो गिफ्ट्स लिए हैं उनको वो देने हैं. सो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी धनतेरस एवरीवन. याद है आपको किस तरह भारत में शुरू में एज करेंसी हम मुद्राओं का इस्तेमाल करते थे, नॉट डांस की मुद्राएं, लेकिन हम बात कर रहे हैं करेंसी की. तो बस ये है कल्याण ज्वेलर्स की मुद्रा कलेक्शन एंड इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नया एंड पुराना. और आज की युवा पीढ़ी को ये कलेक्शन पसंद आएगा ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है ना इसमें ट्रेडिशनल मुद्रा का मोटिव है, लेकिन वहीं ये जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स को गोल्ड के साथ इंटरवीव किया है इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी. अब क्या ये खरीदा जाए या कुछ और, जब तक हम डिसाइड करते हैं तब तक आप हमारी बन्नी चाओ की दिवाली शॉपिंग देखिए. वाओ, ओके यू एक्चुअली कॉट मी ऑफ गार्ड. मैं थोड़ी सी बिजी हूँ वैसे तो अभी, बिकॉज आई एम शॉपिंग फॉर दिवाली और आई गेस आप लोग भी शॉपिंग ही करने आए हैं, तो आप लोग भी शॉपिंग ही करने आए हैं तो लेट्स शॉप टुगेदर. एक्चुअली मेरा बास्केट भर चुका है और मैं मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सालों बाद फाइनली दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ, और वो भी इतने क्राउड के बीच में. मुझे ऐसा लग रहा है हम सब कहीं ना कहीं भूल गए थे यू नो कि दिवाली की शॉपिंग ऐसी होती है. तो ये सब इन सब चीज़ों की वजह से, माहौल की वजह से बहुत वाइब आ रहा है. तो मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें ली है मेरे घर के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड. सबसे पहले मैंने ये तोरण लिया है मेरे घर के लिए, जो मेरे घर के इंटीरियर से भी आई थिंक मैच करेगा. फिर मैंने लिए है ये दिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए, और वो भी आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई थिंक 10 पीसेस तो मुझे मिल गए, विच इज़ अ गुड डील, और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं. तो मैंने ये लिया, मैंने सेंटेड कैंडल्स ली और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो जैसे दिए अगर बुझ भी जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो बाय इट, आई थिंक इट्स अ गुड डील. मैंने ये दो कैंडल्स, मैंने बहुत कैंडल्स लिए, मेरे घर पे कैंडल्स ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये लिया है. बचपन की यादें तो बहुत अच्छी यार, होम टाउन था, घर था, फैमिली थी. इस बार दिवाली में मैं मुंबई में ही हूँ, फैमिली तो नहीं है साथ में, लेकिन इसीलिए मैं मुझे कमी ना महसूस हो तो मैं अच्छे से दिवाली मनाऊँगी जितना भी मुझे टाइम मिले, इसलिए मैंने ये शॉपिंग भी की है. मैं व्यूवर्स से ये कहूँगी कि इस बार मेरी दिवाली मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ तो लक्ष्मी जी भी घर आ रही है मेरे, और मैं दिवाली भी मना पा रही हूँ. मैं ये कहूँगी कि मेरा नया शो आ रहा है बन्नी चाओ होम डिलीवरी ऑन स्टार प्लस, वो ज़रूर देखिएगा.
ABP News आपको रखे आगे।